मेरा नाम मालती है। मैं आगरा शहर की रहने वाली हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे बाप का देहांत हो गया था। उन्हें कैंसर की बीमारी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। बाजार में मेरे पापा की 2 दुकान थी जिनके किराए से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मगर बदकिस्मती से जब मैं 17 साल की हुई तो मेरी माँ अचानक से बीमार हो गई। चेकअप के बाद पता चला कि माँ को भी ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। डॉक्टर का कहना था कि यह बीमारी मेरी माँ को मेरे बाप की वजह से उनमें हुई है। अगर यह 2 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेती तो उस वक्त उनका इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता था। मगर अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी बता दिया है कि अब वो चंद दिन ही जिंदा रह पाएंगी। और फिर वही हुआ था। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब जल्दी से अपनी करीबी रिश्तेदार को बुला ले ताकि वे अपनी माँ से आखिरी मुलाकात कर ले। मेरे एक मामा थे जिनकी शादी हो चुकी थी। बस मेरी माँ की उन्हीं से बनती थी। इस वक्त वह भी अस्पताल में मौजूद थे। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरे मामा के हवाले कर दिया और उन्हें कहा कि अब तुम्हें ही मेरी बेटी का ख्याल रखना है। तुम ही मेरी बेटी के सब कुछ हो। मेरी बेटी मालती जवान हो चुकी है। तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देना। और मेरे मामा ने रोते हुए उन्हें तसल्ली दी थी। इसी रोज रात के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं मामा के साथ उनके घर आ गई। मेरे मामा ने ही मेरी माँ का क्रियाकर्म किया था। मेरे मामा के 2 बच्चे थे और मेरी मामी भी अभी जवान थी। मामा ने अपनी बीवी से कहा कि अब मालती हमारे साथ रहेगी। मगर मेरी मामी इस बात पे राजी नहीं हुई। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाए। मेरे मामा ने कहा कि मैं इसको सड़क पे तो नहीं बैठा सकता। उन्होंने यह कहकर तसल्ली दी थी कि तुम मालती से सारे घर के काम करवाया करना। यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगी। फिर मुझे मामा ने यह भी कहा कि बेटा इस घर में इतने काम नहीं है। मैंने यह बात तुम्हारी मामी से इसीलिए कही है ताकि वे तुम्हें घर में रहने दे और तुम्हें कोई झगड़ा ना हो। मैंने कहा मामा मैं इस घर में रहूंगी तो फिर पूरा दिन क्या करूंगी। अच्छी बात है अगर घर का काम कर लूंगी तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। मैं इस घर में रहने लगी। लेकिन मेरी मामी मुझे घर के सारे काम करवाती थी और मुझे ताने भी दिया करती थी और गुस्सा भी मुझ पे ही निकाला करती थी। हर वक्त यही कहती ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है। आजकल तो ऐसी लड़कियों ने सारे मोहल्ले को अपने पीछे लगाया होता है। मैं उनकी बात का कोई जवाब न देती। यहाँ पे एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पे हमेशा जवान लड़के खड़े हुआ करते थे। कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई लड़कियों को देखकर बातें करता। उनको वहाँ से हटाने की बड़ी कोशिश की गई थी लेकिन वहाँ से हटने कोई नाम नहीं लेता था। असल वजह यह थी कि इस चौक में खाने पीने की दुकान भी थी इसीलिए यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हमारा मसला यह था कि हमारा घर भी इसी चौक के सामने था। हमारी खिड़कियाँ इसी चौक की तरफ खुला करती थी। गर्मियों में भी हम हमारे घर की खिड़कियाँ नहीं खोला करते थे क्योंकि सामने कोई ना कोई खड़ा होता था। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो मामा यह सब काम किया करते थे लेकिन शायद उनकी तबीयत खराब थी। वे सो रहे थे। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई। मैंने जाकर दूध लिया। दूध वाले ने मुझसे कहा आप कौन हैं? आपको पहले नहीं देखा। दूध वाला भी नौजवान ही था। मैंने कहा कि मैं घर में रहती हूँ। मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगा। उसने कहा कि एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैंने कहा जी बताइए। तब उसने कहा आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैंने इस बात को अनसुना ही कर दिया था कि मेरी मामा मामी वहाँ पे आ गई। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने डांटना शुरू कर दिया और
कहा कि मुझे पता था तू बड़ी चालबाज लड़की है। मैं भागकर अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद मामी ने यह बात मेरे मामा को बता दी। कहा कि आपकी चहेती सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के साथ बातें कर रही थी और वो खड़ा होकर उसकी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा कि मामी ऐसी कोई बात नहीं है, मामा को गलत फहमी हुई है। मेरी मामी का कहना था कि बकवास ना करो, मैं सब जानती हूँ। मेरे मामा सर पकड़कर बैठ गए। उसको समझ नहीं आता कि वे क्या करे। आज तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से कहा, आइंदा इस तरह से कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो पूरा दिन यही सोचती रही, सब में मेरी क्या गलती थी, क्या खूबसूरत होना मेरी गलती थी, मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। तो मामा भी मुझे हर बात पे डांट दिया करते थे। शायद वे मामा को मामी को खुश करने के लिए ऐसा किया करते थे। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी मेरी मामी की नफरत खत्म नहीं हो रही थी और वे बार बार यही कहा करती थी कि सही लड़की नहीं है, इसको घर से निकाल दो, उसने लोगों के साथ चक्कर चला रखा है। मेरी मामी ही मेरी दुश्मन हो गई थी। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी, इस मोहल्ले के किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन वे लड़की कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। इसीलिए यह केस पुलिस में चला गया था और मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़कर छानबीन चल रही थी। इस लड़की के साथ किसने बुरा किया है, मुझे यह बात भी मेरी मामी की जुबान से ही पता चली थी। लड़के वाले बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ही हमारी बेटियों की तरह है, अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए इस मुजरिम को पकड़ना और ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही मुजरिम का पकड़ा गया। वो लड़का उनका ही कोई रिश्तेदार था जो इसी मोहल्ले में रहता था। एक दिन मेरी मामी ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दिया। आज मेरे हाथ से ग्लास टूट गया था। उन्होंने कहा, तू अपने आप को बड़ा नाजुक समझती है, तुझे अपनी खूबसूरती पे बड़ा गुरूर है ना, मैं तुझे घर से निकाल के ही रहूंगी। मुझे लगातार डांट रही थी। मैंने उनको कह दिया कि अगर आप मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती हैं तो फिर निकलवा दीजिए, अपने पति के आगे तो आपकी चलती नहीं है, बस मुझे ही बातें सुनाती रहती है। अगर मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मेरा कहीं और इंतजाम हो जाएगा, दुनिया बहुत बड़ी है, आपके बिना वजह की नफरत मेरी जान ही ले लेंगी, आखिर मैंने अपना आपका क्या बिगाड़ा है, पूरा दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ। मैं तो आज इस तरह बोल रही थी कि जैसे मेरे अंदर अब सब्र खत्म हो गया है। मैं अपनी मामी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी मेरी जुबानी दराज समझी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रात को उन्होंने मामा से कोई मेरी शिकायत नहीं की। मुझे लगा शायद मामी के दिल में मेरे लिए जगह बन गई है, वे सोच ले कि वो मेरे बिना वजह मेरे साथ गलत कर रही है। मैं तो यही चाहती थी कि वे मुझे अच्छा ना समझे, लेकिन कम से कम मुझे बातें तो ना सुनाया करे। मैंने यह भी सोचा कि मैं मामा से कहूँगी मेरी शादी कर दे ताकि मैं उनके घर से चली जाऊँ, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी अपनी शादी की बात खुद करूं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, इस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझसे खराब ही नहीं हुआ जा रहा था और घर के बहुत सारे काम ऐसे ही पड़े थे। मामा भी आज के दिन घर से बाहर शहर निकले हुए थे। मैंने मामी को बता दिया कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और अभी रात का खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, रात का खाना
मैं बना लूंगी। वैसे भी तुम्हारे मामा ने तो घर आना नहीं है, इतना काम नहीं है, तुम जाकर आराम करो, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसा ही करूंगी। मैं बहुत खुश हुई, यह पहली बार था जब मामी ने मेरा एहसास किया था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसा सोई कि सुबह ही मेरी आंखें खुली। मैं सुबह उठती ही अपने कामों में लग गई। फिर एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी भी हो रही थी। मामी मुझे हैरान से देखकर कह रही थी, मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से कहा, मालती को कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, इसकी तबीयत खराब है। मेरी मामी मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ जब डॉक्टर ने चेकअप किया, उसके बाद जो हुआ वो मुझे फना करने के लिए काफ़ी था। पूरे रास्ते मैं खामोश रही। जैसे ही घर पहुँची तो मेरे मामा ने पूछा कि क्या हुआ है मालती को, तो मेरी मामी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी लाडली माँ बनने वाली है। मुझे तो जब से डॉक्टर ने यह बात बताई थी, मैं तो तब से हैरान थी कि कैसे हो सकता है, मेरा तो किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं भी हैरान रह गई, लोगों को क्या सफाई देती जब डॉक्टर ने ही कह दिया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं किसी तरह भूत की तरह खड़ी रही। मामा ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि क्या किया तुमने। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है मामा। मामा ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा, मामी ने भी उसका साथ दिया। मुझे बहुत बातें सुना दी गई, मेरे खून को गंदा कहा गया, न जाने कुछ भी सुनती रही। यह दिन गुजर गया। अगले दिन मामी ने मामा से पूछा, आप क्या करना है। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरी मामी का कहना था कि किसी और का गुनाह मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, इसीलिए इसे मोहल्ले में किसी के साथ चक्कर चलाया होगा। इस इंसान को तलाश करो और उसके साथ उसकी शादी कर दो, अब वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। कल को यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा, जल्दी से इस इंसान की तलाश करो। मेरे मामा का कहना था कि तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो, जिस लड़के ने भी यह हरकत की है अब वे आसानी से कहाँ मिलेगा, और दूसरा ये कि मालती भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। तब मेरी मामी ने कहा, तुम यह सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं चंद दिनों में घटिया इंसान को ढूंढ निकालूंगी। मेरे मामा ने अपना सर पकड़ा हुआ था, वो कहने लगे कि मैं तो बोलने के काबिल ही कहाँ रहा, इस लड़की ने तो मुझे बदनाम करके रख दिया है। मेरी मामी उन्हीं लोगों के घर चली गई जिनके बेटे की साथ किसी ने बुरा किया था, उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया। मेरी मामी ने उनके आगे सारा मसला बयां किया और कहा कि हम बहुत परेशान हैं, जैसा आप लोगों ने पुलिस की मदद के साथ अपनी बेटी के मुजरिम को पकड़ा था, हम अब रहम करें, हमारी मदद करें, ताकि हम भी मालती को उसके साथ ही विदा कर दे। वे लोग भी वैसे मामलों को समझा सकते थे क्योंकि उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने जैसा पहले किया था इसी तरह इंतजाम कर देंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमारे साथ भी यह सब कुछ हुआ था। जब मामी ने मामा को बताया कि वे लोग हमारी मदद करेंगे, तब उन्होंने कहा, इस तरह तो यह बात सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी, यह तुमने क्या किया। मामी ने कहा कि पता चल जाए तो चलने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी पूरे मोहल्ले को यह बात पता है कि यह लड़की हमारी बेटी नहीं है, इसने अपने मरे हुए बाप की इज्जत खराब की है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझ पे हाथ भी उठाया जाता था,
सारे मोहल्ले के आवारा लड़कों के ने एक बार फिर पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरा बिना तमाशा पूरे मोहल्ले में बन रहा था। मुझे वे रात याद आई जिस रात मैं बेहोश हो गई थी। उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हर तरह से सोच रही थी, बार बार सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं माँ कैसे बन सकती थी? सब यही कह रहे थे कि ये लड़की चरित्रहीन है, गुनाह करके अब अपने मुजरिम का नाम नहीं बता रही है। मेरी मामी का कहना था कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैंने किसी लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है, वे मुझे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि मेरी शादी उनसे करवा के उसके साथ मुझे विदा कर देंगी। मैंने मामी को आखिरी बार कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हुआ। मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी मामी ने कहा कि इतना बड़ा गुनाह करके बात तुझे ऊपर वाले का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा फैसला होना था। कुछ लड़कों के डीएनए टेस्ट करवाए गए और मेरा मुजरिम पकड़ा गया। वो कोई और नहीं बल्कि मोहल्ले में बैठा एक फकीर था और उसके साथ डीएनए मैच हो गया था। इसका मतलब ये सब कुछ उसने किया था। मेरे मामा ने कहा कि मैं इस पर पुलिस केस करूंगा, उसने मेरे इज्जत पे हमला किया है। लेकिन मेरी मामी ने कहा कि ऐसा करने पर कोई फायदा नहीं होगा, तुम मालती की शादी इस फकीर से कर दो और उन दोनों को दफा करो। मेरे मामा ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूँगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे मामा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था, वह घर से निकल गए और मेरी मामी ने भी मुझे उस फकीर के साथ ऐसे विदा कर दिया जैसे किसी फकीर को भीख दे दी जाती है। पहले इस फकीर ने भी ना ही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी खूबसूरती देखने के बाद वे भी खामोश हो गए। मेरी शादी उस फकीर के साथ हो गई। मेरी मामी ने उसे कहा कि अब तुम इसे लेकर सड़क पे बैठो या किसी झोपड़ी में चले जाओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे पास वापस लेकर नहीं आना। हम इसके लिए मर गए हैं और हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जाते हुए मामी को सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी मामी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। खैर, मैं इस फकीर के साथ चल पड़ी, लेकिन जब वे मुझे घर ले आए तो मैं हैरान रह गई। उसका घर तो काफ़ी बड़ा था और साफ सुथरा था। वो थोड़ी देर के बाद उसने ऐसी हरकतें की कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी दाढ़ी उतारना शुरू कर दिया, अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। जब मैंने हैरान होकर देखा, वो कोई फकीर नहीं बल्कि कम उम्र का इंसान था जिसकी उम्र शायद 20 या 25 साल होगी। उसने कहा कि मैं कोई फकीर नहीं था बल्कि मेरा गिरोह तो ताल्लुक से है, मुझे जासूसी करने के लिए हुलिया बनाकर इस तरह की नौकरी करनी पड़ती है। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़के नशा और ड्रग्स बेचते हैं और मैं उसकी छानबीन के लिए वहाँ फकीर बनकर जाता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर तुम्हें देखने के बाद तो मैं दिल हार बैठा था और सब के कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम मेरी बीवी हो, पर मुझे पता कर लूँगा कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम परेशान मत हो। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं थी। मेरे पति ने जुल्म जल्द ही मामला सुलझा लिया और पता चला कि मैं पेट से नहीं हूँ बल्कि मेरी मामी ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बोला था और मोहल्ले वालों को भी झूठ बुलवाया था और मुझे बीमार करने की दवाइयाँ भी खिलाई थी। जब रिपोर्ट आने वाली थी तो मैं वहाँ भी रिश्वत देकर यह सब कुछ
करवा दिया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरी मामी के साथ मिली हुई थी और मेरी मामी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उन्होंने यह सब कुछ करवाने में मामी की मदद की थी। मैं हैरान रह गई, कैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी मामी ने इतना कुछ किया था। उस आदमी का नाम मोहन था। उसने कहा कि अब तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, लेकिन हम इस मोहल्ले वाले को असली बात नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं अपनी असलियत कभी जाहिर नहीं करूंगा, नहीं तो इस तरह मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरी नौकरी का मसला है। मैंने इसके हर बात को समझा और हमारे बीच फिलहाल कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक दूसरे के करीब आने लगे थे और हम एक दूसरे को इज्जत देने लगे। हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। ऊपर वाले ने मुझे दो जुड़वा बेटे दिए, अब वे 4 से 5 साल के हो गए थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारे मामा इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारी मामी का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारी मामी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, अगर तुम कहती हो तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने अपने दिल को पकड़ कर रख लिया, मेरे अपने पति को कह दिया कि आइंदा उसका नाम भी मत लेना, आप किसी से नफरत करें, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और इसकी कोई वजह भी ना हो तो ऐसे इंसान के लिए अच्छाई करने का दिल नहीं करता। मगर मेरा पति कहता है तुम्हारी मामी के 2 बच्चे हैं और तुम्हारी मामी बहुत बीमार है, तुम्हारी ज़िंदगी तो सवर गई, तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, इसीलिए अपनी मामी को माफ़ कर दो, उनके पास जाकर उनकी मदद करो। मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी माफ़ी से माफ़ नहीं मांगी। अब हमें नहीं पता कि उनका क्या हाल है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।